योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विक्ष कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्म सुकौशलम् योगा कर्म सुकौशलम् योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध सिद्धेः समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलम ईश्वरार्थम् तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति संगम त्यक्त्वा धनंजयः। फल तृष्णा शून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्त्वशुद्धिजा ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि तद्विपर्यजा असिद्धि तयो सिद्धि असिद्धयो हो अपि समतुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि का असो योगौ यत्रस्थः कुरु इति उक्तम् इदम् एव तत् सिद्धि असिद्धयो हो समत्वं योग उच्यते। यत् पुनः समत्व बुद्धि युक्तम् ईश्वरार्थ ईश्वर आराधनार्थम् कर्म एतस्मात् कर्मणः दूरेण यवरं कर्म। सो भगवान कर्मयोग में दो तीन बातें स्पष्ट करते हैं कि जो अध्यात्म का मार्ग है वो अकर्मण्यता का मार्ग नहीं है, और यदि जीवन में अकर्मण्यता होती है तो अकर्मण्यता का हेतु जो है वो ज्ञान है। हो सकता है किसी साधक को लगे कि जीवन में निवृत्ति होनी चाहिए, लेकिन निवृत्ति तब होवे जब प्रवृत्ति का संपादन हो चुका होवे। मैंने प्रवृत्ति की ना हो और मैं जीवन में निवृत्ति लेकर बैठूं, वह निवृत्ति अध्यात्म मार्गी नहीं है। इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कुरु कर्माणि, जो अध्यात्म के ज्यादातर साधक हैं वेदांत के, वो इस बात पे भ्रमित हैं। उनको एक डर लगता है कि यदि मैं कर्म करूंगा तो मैं अज्ञानी कहलाऊंगा। भगवान स्पष्ट बोलते हैं कुरु कर्माणि, और एक कर्म नहीं कहा गया है, कर्माणि जितने हो सकते हैं उतने कर्म को करो। लेकिन दो बातों को अर्जुन ध्यान रखना, तो ये आपके लिए प्रायोगिक साधना है। कर्म को करते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना। बोले वो क्या है? एक तो पहले ध्यान रखो, बोले संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ करके कर्म करो, ठीक है ना? संग को छोड़ करके मतलब कर्म के फल की आग्रह को रख के मत करो। तो तुम तो अपना काम करो, ध्यानो। इसके पहले मैंने सात दिन के पहले मैंने इस बात को बोला था कि कर्मयोग के दो रास्ते हैं।
एक पहला जो रास्ता है वो है कर्तव्य, ठीक है ना। तो पहली बात, कर्मयोग में जो पहली सीढ़ी है वो ये नहीं है कि मैं ईश्वर को याद करूं। प्रश्न ये है, जब मैं ईश्वर को जानता और समझता ही नहीं हूं तो मैं ईश्वर को याद करके क्या करूंगा। इसलिए कर्मयोग का जो पहला एक रास्ता दिया गया वो दिया गया कि यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटी ओनली। तुमको जो कर्तव्य दिया गया है वो कर्तव्य का पालन करो। मैंने इसको निवेदन किया आपसे कि कर्तव्य वह है चाहे वो आपको अच्छा लगे और चाहे वो आपको अच्छा ना लगे। कर्तव्य आपके राग द्वेष को नहीं देखता, कर्तव्य आपकी चाहत या न चाहत को नहीं देखता। और जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कर्तव्य डिफाइंड ना हो। बहुत बड़ा एरिया है, मैं तो अब इसको आपको एक बार एक खिड़की में लेकर फिर आगे चलता हूं। बोले मेरा कर्तव्य क्या है? अरे तुम ये बताओ कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। यदि मनुष्य हो तो मनुष्य का भी ये कर्तव्य है, ठीक है। मैं कहीं किसी से कह रहा था कि सन्यास और ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये तो आरोपित धर्म है, ये तो दिया गया, कोई जन्म से नहीं था ये, लेकिन मनुष्यता तो जन्म से दी गई। हम एक अच्छे पहले तो व्यक्ति बने अध्यात्म में। अच्छे व्यक्ति का मतलब क्या है कि मेरे जो दायित्व हैं मैं उन दायित्वों को तो निभाऊं। तो कर्तव्य आपकी चाहत या न चाहत को नहीं देखता। अगर आपको उस सीट पे बैठा ला गया है तो देन यू हैव टू परफॉर्म। तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, देखो इनके चारों के क्या आ गए, आपको अच्छा लगे और चाहे आपको अच्छा न लगे, क्योंकि आपसे पूछ के नहीं लिए गए थे। यही नहीं और बड़ा करो तो ब्राह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, इनके अपने कर्तव्य हैं। अच्छा और आगे चलो, पिता हैं, पुत्र हैं, माता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, नागरिक हैं, पड़ोसी हैं, इनके भी क्या हैं। जब व्यक्ति इस जगत में रहता है तो उसका कोई ना कोई तो दायित्व और कर्तव्य बनता है। तो कर्मयोग की जो पहली सीढ़ी है वो ये है कि तुम एक काम करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको करो। ध्यान रखना, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, कर्मयोग का अर्थ पूजा अर्चना भक्ति एकदम नहीं है। वो तब है जब मेरी ईश्वर के बारे में कोई समझ हो। अभी समझ डेवलप हुई नहीं तो मैं भक्ति क्या करूं? नाम जपना से भक्ति थोड़ी ना हो सकती। उसके प्रति क्या प्रीति है मन में? भक्ति एक प्रीति का नाम है। मैंने उसको जाना कि नहीं जाना ठीक से, कि सुने सुनाए लोगों से जाना, मेरा अपना खुद का कोई अनुभव ही नहीं है, खुद की कोई समझ ही नहीं है। वो ऐसा करते हैं इसलिए मैं भी ऐसा करता हूं, तो भीड़ चालू हो गई। बुद्धि दी गई है तो कुछ समझने के लिए दी गई होगी। तो पहली अपने कर्तव्य का पालन करो। दूसरा तो जब व्यक्ति पालन करता है तो उसके जीवन में कमी निकल के आती है। वो कमी ये है, उसका जीवन ड्राई हो जाता है, उसके जीवन में रस नहीं रहता। ऐसे लोग मैंने देखे हैं, आपसे बताऊं, कर्तव्यनिष्ठ हैं लेकिन उनसे बात करने में जो एक प्रेम तत्व है, एक रस तत्व है, वो मिसिंग होता है कहीं। तो का शास्त्र कहता है, एक काम करो, अब कर्तव्य से थोड़ा ऊपर उठो। बोले किसके लिए? अब ईश्वर प्रीति के लिए करो। देखो जी, शिफ्ट हो गया कि नहीं शिफ्ट हो गया?
किसी को डायरेक्ट आप बोलो ईश्वर के लिए करो तो ढकोसला है, मैं आपसे बताऊं। अभी तक कर्तव्य की बात की गई, अब बोलते हैं ईश्वर प्रीति के लिए करो, इसको बोला गया योगस्थ कुरु, कर्तव्यस्थ नहीं बोला है, रखना दूसरी पीढ़ी ली गई। योग में स्थित रहकर करो, योग में स्थित मतलब मैं वह कार्य करूंगा, इसलिए मैंने कल जो परिभाषा दी उसको ध्यान से पकड़ के रखना। मेरे कर्म का प्रयोजन क्या है, बस ये विषय है, इतना ही प्रश्न है मेरा। मेरे जो कर्म हैं उसका प्रयोजन क्या है, अपना अपना सब देख लेना। यदि कर्म का प्रयोजन मैं स्वयं हूं तो आप कर्मयोग के रास्ते पर नहीं है, उससे भी नीचे हैं। लेकिन मेरे कर्म का प्रयोजन मेरी तुष्यता नहीं है, मैं स्वयं के लिए नहीं, फिर बोले मैं ईश्वर प्रीति के लिए, मैं अपने लिए नहीं करता। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया कि जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया गया वो यूनिवर्सिटी का प्रयोजन क्या था, कमाना। अब इस पे बड़ी बहस होती है हमारे अच्छे लिखे समाज, आखिर आज की एजुकेशन का लक्ष्य क्या है। सोच के जरा देख, यहीं कहीं हम मिसलीड हो गए। ध्यान रखना दरिद्रता और ये भिखमंगतेपना को कभी हमारे अध्यात्म में इज्जत नहीं दी गई। गृहस्थ यदि दरिद्र हो गए इससे बड़ा कुछ कोई बड़ा दुख नहीं है उसके लिए, ये भी एक है। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जिनको भागवत बड़ी अच्छी लगती है, कृष्ण के भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, वो अपने दोस्त का नाम, अपने पुत्र का, अपने अपने बाबा का नाम सुदामा देखा है किसी ने, क्यों नहीं रखते भाई सुदामा, वो नहीं रखेंगे। मतलब अब ड्यूअलिटी साफ साफ दिखती है जीवन में आपके। तो मैं दो चीज कह रहा हूं, शिक्षा का उद्देश्य क्या, और दो तरीके की ले लेना। एक पहला फैक्ट है, जिस डिग्री कॉलेज जिस विश्वविद्यालय ने आपको पढ़ाया वो हमने और आपने नहीं बनाया। उस विश्वविद्यालय ने हमें क्यों पढ़ाया, ठीक है सोच के देखना, उस विद्यालय ने उस समाज ने हमें क्यों पढ़ाया। वो समाज ये कह सकता था ये तो कमाएंगे जाके तो हमसे क्या लेना देना, तो बंद करो बोले कॉलेज स्कूल, क्यों, क्योंकि हम पढ़ाएंगे ये कमाएंगे जाके। कभी विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य नहीं रहा, विश्वविद्यालय यही चाहता था कि वो जो शिक्षा है वो क्या हो जाए और आगे जाए, वह जो ज्ञान है वो थोड़ा और बढ़े। अभी कहीं ऐसा लगता है कि शिक्षा मतलब ये है कि उससे इनकम कितनी हो सकती है। आज जब व्यक्ति चूज करता है विषय कि मुझे ये विषय लेना है तो उसके पीछे कारण क्या है, मुझे कहीं लगता है उसके संस्कार नहीं बोलते, उसके संस्कार नहीं बोलते, उसकी रुचि नहीं बोलती, वो ये बोलता है कि इससे मुझे रिटर्न में कितना मिलेगा। ये धारणा से जब पढ़ाई होवे तो वो जो ज्ञान है वो कहां तक, आप इन्वेंशन नहीं कर सकते फिर, क्योंकि इन्वेंशन कमाई नहीं देगा आपको। खोजते रहो खोजते रहो खोजते रहो, हो सकता है तो मर जाओ और तुम्हारी खोज पूरी ना हो। बोले तो पागल था देखो मर गया, अरे समाज के लिए बहुत बड़ा काम करके गया है, इतनी बड़ी रिसर्च करके गया है कि आप आगे करो तो आपको फल मिल जाएगा।
ये दिमाग कम लोगों का जाता है। मैंने ये पढ़ा और मुझे ये पैसा मिल गया। अरे पैसा ही लेना है तो गुंडागर्दी और बहुत सारे ऐसी चीजें जहां बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, कर लो वही कर लो। फिर शिक्षा संस्कारित करने के लिए हो, इसलिए हमारे चिन्मय मिशन में एक शब्द बोले वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। एजुकेशन है बट उसका जो बेस है वो वैल्यू होवे, संस्कार आधारित शिक्षा हो। क्यों चाहिए भाई संस्कारित आधार? हाँ अच्छे नागरिक बने, आप अच्छे पिता बने। शुरुआत यहां से है, देखो आप कर्मयोग की, मेरे कर्म का प्रयोजन मेरा ही पेट। अब आप बड़े हो गए, बोले अब आप अकेले रहते थे, आज आपके साथ पत्नी है, आपके साथ बच्चे हैं, तो अब आपका ध्यान किधर जाएगा? मेरा यही दायित्व तो नहीं है, मेरा यही नहीं, अभी तो ये छोटा कुनबा है, मैं जहां से आया वो परिवार, मैं जिस समाज से आया, मैं जिस देश से आया। कभी लगता है मुझे, बहुत पहले अभी भी सोचता हूं, अभी आप देख रहे हैं कि ओलंपिक चल रहा है, एक कांस्य पदक जीता उसने, उसको जीतने में 12 साल लग गए, आधी जिंदगी चली गई, अब तो शायद दूसरा खेल पाए पता नहीं, तीसरा मिला क्या आखिर? उससे कभी पूछना कि तुम जो ओलंपिक में तैयारी कर रहे थे वो करोड़ रुपए के लिए कर रहे थे? बोलेगा नहीं, वो देश के लिए एक अलग चाहत है कि भारत के हाथों में एक 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 पदक जीते, ये एक अलग भूख है, वो पूरे भारत देश को दिखा रहा है। ये क्या है? ये कर्मयोग है, वो परिवार के लिए नहीं है। वो जो मिलता है वो तो ठीक है, उससे उसने उसके लिए नहीं किया, हो सकता है वो उसको डोनेट भी कर दे। हमारे जीवन में ये तुच्छता, ये बहुत नीची संकीर्णता एक रह गई कि हम अपने तक ही सीमित रह गए। मैंने अपने जैसा किसी को बनाया, कोई चीज दी मैंने समाज में, बोले वो नहीं दी, तो बोले तुम किसी काम के व्यक्ति नहीं हो। इसको बोलते हैं योगस्था। कर्तव्य से नहीं प्रेरित है, ईश्वर से प्रेरित है। प्रयोजन उसका कॉस्मिक जगत है, उसका प्रयोजन ईश्वर है। कल मैंने आपको आध्यात्मिक पक्ष दिखाया रामायण का, भाषा में बोलूं कि आपका पर्सनल एजेंडा नहीं होवे, पर्सनल डिजायर नहीं होवे, किसी पर थोपी ना जाए। मैं जो हूं वो किसी के लिए हूं, तो मेरे पास जो बल है, जो इच्छा है, वो शक्ति है, जो ज्ञान है, वो मेरे लिए नहीं हुए। इसको बोलते हैं कर्मयोग। देखो बन गया ना, तो करना है अपने लिए नहीं। मैंने बोला अपने लिए करना तो जानवर भी कर लेता है। अरे किया क्या हमने? किया क्या? अच्छा पैदा हो गए, बड़े हो गए, विवाह कर लिया, बच्चे पैदा हो गए, उनको भी खाना पीना दिया, उनको भी बड़ा कर दिया, मर गए, खत्म। मतलब यही रहना, वो तो जानवर भी है, वो थोड़ा ऊंचा नहीं जा पाया, वो 4 मंजिल पे नहीं जा पाया, वो नीचे मंजिल पे रहा, लेकिन बात वही रही। कुछ एक एक्स्ट्रा गेन किया कि मैं कह सकूं कि मैं मनुष्य होने के नाते मैंने कुछ एक्स्ट्रा कमाई की। वही खाना पीना पालना मरना, और वो तो जानवर भी कर रहा है। कोई अच्छा खा रहा है, कोई बुरा खा रहा है, कोई लड़के खा रहा है, कोई झगड़ के खा रहा है, आपके बच बच्चे हैं, वहां भी बच्चे हैं, वो भी पल रहे हैं, हम भी पल रहे हैं। एक एक अचीवमेंट क्या हुई कि आपको मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पढ़ा लिखा बना के दिया गया, उसका अचीवमेंट क्या आया? अचीवमेंट बोले जीरो है। जिंदगी किस में चली गई? बस यही सब में चली गई। इसलिए जीवन को समझा नहीं, इसलिए चली गई। बोले क्या मैं नौकरी करूं? जी नहीं, कहीं नहीं कहा गया।
आप अपने जहां जो काम कर रहे उसी को कर्मयोग बनाया जा सकता था, वो कर्मयोग बना नहीं। तो मेरे कर्म का प्रयोजन कौन? मनुष्य, संबंध, जाति, देश, समाज, ईश्वर, ये डिग्रीज हैं। बस उसमें से चूज कर लो, जहां आप गए सबसे ऊंचे, जहां मैं छूट गया, समझ लो वो कर्मयोग आ गया। भगवान इतना बोलते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अच्छा, मैं अपने लिए कर ही नहीं रहा हूं। बोले किस लिए कर रहा हूं? मेरा एक प्रयोजन है, वो क्या है? ईश्वर से प्रीति। मैं सफल हुआ, ईश्वर से प्रीति बनी कि नहीं बनी? मैं असफल भी हुआ, मेरी ईश्वर से प्रीति, मेरा एजेंडा ये प्रीति और अप्रीति नहीं है, मेरा एजेंडा सिद्धि और असिद्धि नहीं है, मेरा एजेंडा सफलता और असफलता नहीं है, मेरा एजेंडा सुख और दुख नहीं है, मेरा एजेंडा ये, मैं उससे जुड़ा। तो असफलता भी एक सफल है। कल मैंने बोला ना, सफल फल सहित असफलता में भी मैं उस ईश्वर से जुड़ गया तो भी मेरा जीवन कैसा रहा? सफल है। मैं जो चाहिए था वो मिल गया, मुझे और क्या चाहिए? इसलिए वो रिजल्ट में नहीं फंसता। हम आप रिजल्ट में फंस गए, मैंने अपना काम किया, ठीक है, करवाने वाला वो, देने वाला वो, जो होगा सो, मैं उसके करीब आया कि नहीं आया, मेरे मन में उसके प्रति प्रीति बढ़ी कि नहीं बढ़ गई, मेरे मन में एक तुष्य, एक संतुष्टि का भाव आया कि नहीं आया, बस वो काफी है। तो इसीलिए बोले सिद्धि असिद्धि। कर्म की सिद्धि क्या है? सफलता है। कर्म की असिद्धि क्या है? असफलता है। वो बोलते हैं उसको लेना ही देना नहीं है, वो तो सदैव सफल है। तो सिद्धि में भी सफल, असिद्धि में भी सफल, इसका मतलब उसको ईश्वर की प्रीति मिल गई है। हो गया ना? सिद्धि असिद्धि समह भूत्वा, बोले इसी को योग कहते हैं। देखो जी, अभी आपको योग की परिभाषाएं बहुत सारी मिलेंगी, अभी एक एंगल से ही बोला गया। बोले समत्वम योग उच्चते, चित्त की ऐसी समता का नाम योग है। ठीक है, यहां योग किसको बोला गया? समत्व को। अब जब दूसरे पर आए, ये बड़ा सुंदर श्लोक है और थोड़ा थोड़ा टेक्निकल है, और मैं आपसे बताऊं, जब तक मैंने भी इस श्लोक को बारीकी से नहीं पढ़ा, वो जो इसका मर्म है मुझे भी नहीं समझ में आया था अभी तक। अब जरा देखना क्या बोलते हैं। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच कृपणाहा फल हेतव। अर्जुन, धनंजय, देखो वहां पे भी क्या बोला, धनंजय, देखो कर्मयोग की विद्या है, इसको अर्जित करो। बहुत प्रकार के धन ले लिए तुमने, सब जीत लिया है, सब धनों को अर्जित किया है, इस विद्या धन को अर्जित किया, इसलिए भगवान बोलते धनंजय जरा सुनो मेरी एक बात। बड़ा सुंदर विश्लेषण है ये। एक तो जब ये कर्म शब्द आता है, ध्यान रखना, तो यहां कर्म का अर्थ दुष्कर्म नहीं है, क्या है? सत्कर्म। अब एक अंतर को समझना, कर्म योग का कर्म और सत्कर्म का कर्म, दोनों में अंतर है, ध्यान से समझना जो श्लोक कह रहा है। जो कर्म एक एक साधारण व्यक्ति करता है उसको क्या बोलते हैं? सत्कर्म। और एक व्यक्ति जो है वो योग में रहकर कर्म करता है उसको क्या बोलते हैं आप? बोलो जी, कर्मयोग। कर्मयोग, तो कर्मयोग का कर्म अलग है
और सत्कर्म का जो जो कर्म है वो अलग है। इस चीज को थोड़ा बारीकी से समझ लेना। अध्यात्म इन दोनों में अंतर मानता है। बोले कितना अंतर है? बोले कोई एक व्यक्ति है जो दौड़ रहा है, तो जो पहले नंबर पे आया उससे जो दूसरा नंबर वाला व्यक्ति है वो आधे घंटे लेट पहुंचा, तो वो दूसरा नंबर वाला व्यक्ति कौन है? बोले वो सत्कर्म है। कर्मयोग से नीची अवस्था है किसकी? सत्कर्म की। अर्जुन तुमको उसको नहीं करना है, मतलब तुमको सत्कर्म नहीं करना है। आम व्यक्ति किसमें लगा हुआ है? बस ये सत्कर्म सत्कर्म सत्कर्म। देखो भगवान क्या बोलते हैं, दूरेण अवरम कर्म। अवरम मतलब सत्कर्म, दुष्कर्म नहीं है, ध्यान रखना। दूरेण ही अवरम कर्म। अरे किससे किससे तुलना कर रहे हो आप अवरम कर्म से? बोली बुद्धि योगात। देखो शब्द खुद दे दिया कि नहीं दे दिया भगवान? दूरेण ही अवरम कर्म किससे? बोले बुद्धि योगात। बुद्धि योग मतलब, बुद्धि योग मतलब ध्यान रखना, मैंने बताया ना ये शब्द बहुत बहुत ही संशय को पैदा करने वाला है। एक जगह बुद्धि योग का अर्थ बाद में क्या दिया गया? ज्ञान। ददामि बुद्धि योगम तम, वहां बुद्धि योग का अर्थ है ज्ञान, यहां बुद्धि योग का अर्थ क्या है? क्योंकि कर्म का प्रकरण, क्योंकि बुद्धि योग को भगवान ने भी बुद्धि योग नहीं बोला था, भगवान ने क्या शब्द दिया था? नहीं, बुद्धि योग को भगवान ने यहां क्या बोला था? यहां पे बुद्धि योग बोला, पहले क्या बोला इसको? योग बुद्धि है ना। भगवान थोड़ा शब्दों में अंतर करते रहते हैं, आप देखना। ये कहां था? बुद्धि तू इमाम सुनु, ये श्लोक ऐसा आया था, ये देखिए 39वां श्लोक 39। ऐसा मिल गया 39। ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगे। बोले सांख्य बुद्धि तो मैंने बोल दी, लेकिन सांख्य बुद्धि का जो उपाय है वो कौन है? वो है बोले बुद्धि योग। बुद्धि योग मतलब ज्ञान नहीं, बुद्धि योग मतलब कर्म योग। ठीक है, तो शब्द क्या दिया था? बुद्धि योग। अब यहां शब्द क्या बोल देते हैं भगवान? बोलो जी, बुद्धि योग। वहां क्या बोला? योग बुद्धि। हो गया अंतर इधर उधर करते, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना। कर्म का प्रकरण कर चल रहा है तो प्रकरण वशात यहां अर्थ क्या लिया जाएगा? कर्म योग। कोई एक शब्द को मत पकड़ ले, क्योंकि इसी बुद्धि योग को बाद में बोला गया है ज्ञान, तो यहां लेकिन ज्ञान अर्थ नहीं है, यहां क्या अर्थ है? कर्म योग, इसको समझ ले। अच्छा और भी चीजें हैं, गीता में सिर्फ दो ही रास्ते हैं, ये तीन नहीं है जो लोग बोलते हैं, या तो ज्ञान योग या तो कर्म योग, ये भक्ति योग कहीं नहीं आया है। तो ध्यान से, घबराना नहीं है, भगवान ने कहीं ये शब्द नहीं बोला कि अब भक्ति योग सुनो, या तो बोला सांख्य योग सुनो या तो बोला कर्म योग सुनो, भक्ति योग सुनो ये कहां पे आया? और असलियत भी यही है, एक है पूर्व मीमांसा और एक है उत्तर मीमांसा। भक्ति योग कहां गई? जब आप वेदांत पढ़ते हैं तो एक है पूर्व मीमांसा, एक है उत्तर में, भक्ति कहां योग चली गई फिर? तो जरा समझ लेना, हमने हमारी गलती ये हुई कि मैंने भक्ति को कर्म योग से अलग समझा,
और एक तीसरा रास्ता बना दिया, कौन सा? भक्ति योग में। अब जो लोग थोड़ा और पढ़ते हैं, एक हुए जयदयाल गोयंका जी, वो महाराज जी के साथ में रहते थे स्वामी अखंडानंद जी के, तो उनकी भी एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है पढ़ा किसी ने? तत्व विवेचनी, विवेचनी करके है। गीता प्रेस में होगी शायद। उन्होंने एक और उनका जो था कि बोले भक्ति योग अलग है, भक्ति योग अलग है और कर्म योग अलग है। देखो ये स्टार्ट वहां से हो गया और महाराज जी ने इसको एकदम अलग कहा, भक्ति योग और कर्म योग अलग अलग नहीं है। देखो जी, गीता में और उपनिषदों में कहीं नहीं दिखाई देता कि भक्ति योग अलग है और कर्म योग अलग है। उन्हीं के साथ रहते थे। देखो जी, अब जितने लोगों ने ज्यादा पढ़ा वो उनको देखें, भक्ति महाराज जी और जयदयाल गोयंका जी, वो कर्मवादी थे। थोड़ा गलती भी यही हो गई हमसे। गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि हमने भक्ति योग को एक विशेष क्रिया का नाम दे दिया। ठीक है, एक विशेष क्रिया को हमने क्या बोला? भक्ति। और कर्मयोग मैंने एक विशेष कर्म को कहा। तो एक जन साधारण में भक्ति योग का अर्थ क्या दिया गया? पूजा पाठ। ठीक है, अच्छा, पूजा पाठ में ईश्वर की प्रीति सम्मिलित है तभी तो वो कर रहा होगा। अच्छा बताओ, कर्मयोग में जो वो कर्म कर रहा है वो किसकी प्रीति के लिए कर रहा है? इसका मतलब प्रीति तो पहले, तो कर्मयोग को ही भक्ति योग क्यों नहीं कह सकते? समझना जरा, ईश्वर की प्रीति ही भक्ति है। ईश्वर की प्रीति ही भक्ति है। कर्म योग में भी तो वह जो कर्म करता है वो ईश्वर के लिए करता है, तो कर्म योग को भक्ति योग क्यों नहीं कहा जा सकता? सोच के देखना। और पुष्टि ये होती है कि कर्म उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, भक्ति इना की बात नहीं कही गई। क्यों? भक्ति को पूर्व मीमांसा में सम्मिलित किया गया कि कर्मयोग हो ही तब सकता है जब ईश्वर की प्रीति हो गए, वो है नहीं ढंगा, इसमें आ नहीं रहा है आपके। अब इसका एक गलत क्या कहा जाए, हम लोगों ने गलत समझा, गलत ये समझा। एक आचार्य हुए, अब आप उसको मिसकोट मत करना है ना, कहीं गलत मत समझना। एक आचार्य हुए चैतन्य महाप्रभु। अब चैतन्य महाप्रभु ने भजन गाया, अश्रुपात किए, एक विशेष क्रिया की ईश्वर के प्रति, मैंने उसको क्या बोल दिया? ये भक्ति है, पकड़ में? लेकिन आपने उस व्यक्ति की साधना का स्तर देखा होगा। एक जनमानस ने किसको बनाया कि यही, जब ये भक्ति है तो मुझे भी क्या करना चाहिए, तो मैं भी क्या करूं? जबकि तुम्हारे मन में वह प्रीति अभी बनी, समझना, उनकी स्थिति थी तो वो कर सकते थे, पकड़ में? उनकी स्थिति थी, उसके लिए वो मान्य है, लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है और हमने लेवल किसका लगा दिया, वही क्या है, तो हमने भी चालू कर दिया, जबकि मेरे मन में वह स्थिति बनी नहीं जो चैतन्य महाप्रभु के मन में थी। अब क्या कहोगे इसको आप? आपकी आंतरिक स्थिति है नहीं ऐसी, और वह स्थिति ने आपने ऐसे ग्रहण कर लिया। सोच के देखो आप।
समाज को लगा कि बस यही ही भक्ति योग है, तो फिर कर्म करना भक्ति योग नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको देखा कि वो ऐसा करते हैं, इसलिए फिर वही भक्ति योग है। अब देखो, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी मन की स्थिति इतनी ऊंचे थी, जनमानस समुदाय की स्थिति इतनी ऊंची नहीं है जो वो करे। जो एक पिता कर रहा है वही काम एक पुत्र नहीं कर सकता। पिता की जो मानसिक स्थिति है वो दूसरी है, पुत्र की मानसिक स्थिति कोई नहीं, पिता ने किया तो वही मुझे भी करना है, आचार्य ने वो किया तो मुझे भी वो कर। आचार्य की मानसिक स्थिति, कोई कार्य यदि स्वामी जी करें और मैं भी वैसा ही करूं, तो बोले नहीं, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि वो भी करते हैं। अब आप क्या कहोगे, कितना एक्सेप्टेंस मिलेगा इस बात को, सोच के देखना। कार्य बुरा नहीं है, बड़ों ने किया है तो आप भी करो, नहीं जरूरी नहीं है ऐसा किया जाए, समझना इस चीज को। और इसी उधेड़ बुन में अब एक समुदाय बन गया जिसको जिसको विचारों से लेना देना नहीं है, उनको क्रियाओं से लेना देना है। तो कूदो, उछलो, ठीक है, उछल उछल के गाओ, कूद कूद के गाओ आरती आप, लेकिन जब विचार की बात आए तो आप वहां से फिर भागने के लिए तत्पर है व्यक्ति। और हमने उसको नाम भी दे दिया भक्ति मिशन, और जन समुदाय में ये एक प्रसार फैल गया कि ये भक्ति है। तुमको शबरी की भक्ति नहीं दिखाई दी थी, वो क्या कर रही थी? तुमको हनुमान जी की भक्ति नहीं दिखाई दी थी? तुमको लक्ष्मण जी की भक्ति नहीं दिखाई दी थी? वो तो रहकर भी उस प्रभु से क्या रहे, जुड़े, वो नहीं दिखाई दिया। ये उछलना कूदना और सब कुछ एक एक अजीब सा वातावरण पैदा कर देना जहां अनुशासन नाम की कोई चीज ना होवे, जहां विचारों से दूर होते जाएं, जहां एक उन्माद की वृत्ति पैदा हो जाए और लोग कहें कि जहां हम अपने अस्तित्व को खो बैठते हैं, वो म्यूजिक बंद हो जाए तो कहां गया आपका अस्तित्व? उतनी देर के लिए है बस, 10 मिनट के लिए है। समाज में एक रूपी आ गया कि भक्ति मतलब एक विशेष कर्म को भक्ति कहते हैं। हमारे यहां बोला गया जीवन की प्रत्येक क्रिया को भक्ति कह सकते हैं। अब ये पक्ष मजबूत इसलिए हुआ क्योंकि इनको कुछ आचार्य ऐसे दिख गए। मैंने बोला चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु महाविरक्त मानते हैं हम, तो निवृत्ति प्रधान है क्योंकि उनकी चित्त की स्थिति ऐसी है, भक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है। भक्त तो ये भी कहेगा घर भी मेरा है, आप भी मेरे हो। उनके लिए भक्त घर नहीं है मेरा, आप ही मेरे हो, देख लो आप। उनसे सब कुछ छीन लिया जाए, बोले छीन लो हमसे, नहीं बोले भगवान भी मेरे और ये भी मैं है, आगे ना पकड़ में हाँ। आप बराबरी किसी की कर रहे हो और उसकी चित्त वृत्ति देखो जरा। शंकराचार्य जी को एक व्यक्ति आया और बोलता है आपको जान से मार दूंगा क्योंकि मेरे पास तंत्र मंत्र है। उन्होंने कहा मार दो, ये देखो शरीर से प्रेम के लिए दिखाया गया देहाभिमान। वो व्यक्ति वास्तव में आया शंकराचार्य जी को, तांत्रिक था, उसने शंकराचार्य जी के ऊपर रात में वो किया। शंकराचार्य का मैं बैठा हूं करो, मैंने बुलाता हूं तुम्हें। ये बात कहीं शिष्यों को पता लग गई, उन्होंने कहा ये तो भोलेपन में दे देंगे और जान चली जाएगी। उन लोगों ने उसको बाद में निकाल लिया, लेकिन शंकराचार्य जी ने नहीं निकाला। उनकी आंतरिक स्थिति ऐसी है, आते हो तो आ जाओ, मारना है तो मार दो, लेकिन ये आंतरिक स्थिति साधक के लिए तो नहीं हो सकती। और साधक ने किसका वरण कर लिया, बोले मुझे भी है। ऐसे रहना नहीं है,
मैं आऊंगा तो इसमें देखो, जीवन मुक्त के जो लक्षण हैं उसको कॉपी नहीं करना है। हम जीवन मुक्त के लक्षणों को पढ़ पढ़ के, वो मौन रहता है तो मैं भी मौन हो गया, वो ऐसा बोलता है तो मैं भी वैसा हो गया, इसको जीवन मुक्त पुरुष कहेंगे क्या? लक्षण आते हैं, लाए नहीं जाते। हम लक्षण लाने में लगे हैं, किसको? पढ़ पढ़ के। अरे पढ़कर नहीं आते, ये आपकी इनर मैच्योरिटी का परिणाम है कि वो खुद आ जाते हैं, लाए नहीं जाते, हम लाने में लगे हैं, पढ़ पढ़ कर लाने में लगे हैं। तो भक्ति योग को मैंने सोचा कि एक विशेष क्रिया का नाम भक्ति है, तो एक विशेष क्रिया का नाम कर्म योग है। इससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं हो सकता। कर्म योग इसलिए करता है क्योंकि उसको ईश्वर के प्रति प्रीति है, भक्ति इसलिए करता है कि उसको भगवान के प्रति प्रीति है। दोनों में जो तत्व है वो प्रेम है। अब बात यह है कि तुम, मेरा स्थिति कहां है? चैतन्य महाप्रभु की स्थिति थी, लेकिन जन साधारण की स्थिति तो ऐसी, छोड़ के देखो आप 2 दिन घर से बाहर करके। अच्छा मैं तो कहता हूं आप यहीं इसी आश्रम में आ जाओ अपने, तो आपको घर वाले क्या कहेंगे? हो गई आपकी प्रीति भक्ति निकल गई है, इतना ही है बस 2 दिन के लिए। अब आपको क्या है? मेरा जीवन, मेरा भविष्य, मेरे बच्चे, मेरा पति, अब क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया था, तुम भी छोड़ दो। बोले नहीं हो सकता, तो फिर स्वीकार करो, जहां रह रहे हो उसको भक्ति बनाओ। किसी को देखकर चैतन्य महाप्रभु बनने की कोशिश, उनकी आंतरिक स्थिति प्रबल थी, इसलिए उनके साथ वही ही भक्ति योग है, ये गलत है। मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि सबसे आइकॉन जो है वो यही चैतन्य महाप्रभु समझ में आते हैं, बट वो उनकी, शंकराचार्य जी की आंतरिक स्थिति अच्छी थी, चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक स्थिति अच्छी थी। हमको तो लगता है कि अभी हमको कुत्ते के सामने खड़ा कर दिया जाए, उनको खड़ा कर दिया जाए, तो उनको लगता है आओ काट लो, ये भी भगवान है, हमको क्या लगेगा अभी? अरे भगा 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 भगा, डंडा लाओ, अरे भैया इसमें भी भगवान है, आओ। क्यों डर लग रहा है? कण कण में भगवान है, अब नहीं दिख रहा है इसमें भगवान? मजाक मत कीजिए, बोले आप। अरे मजाक नहीं, सच में कह रहे हैं, निकाल लो आप खंबे में से भगवान। इसलिए बोलते हैं जीवन की जो वास्तविकता है वो दूसरी है हमारी। हमने उन नियमों को अपने ऊपर ओढ़ लिया, एक बांध लिया, और हम दिखना चाहते हैं भक्ति के असलियत में है, और यही कुंठा, अवसाद, फ्रस्ट्रेशन, यही व्यक्ति को परेशान कर देता है। एक्चुअली में हम जो हैं वो दिखते नहीं हैं, हमने एक लिबास पहन के रखा है, एक वस्त्र ऊपर से, वो दिखना चाहते हैं, और वो हमारा असली स्वरूप। मुखौटा पहन के कब तक रह सकते हो? कितने दिन? एक हीरो भी कितनी देर रहता है? थोड़ी देर, फिर उखाड़ देता है। अमिताभ बच्चन अगर कुली बना तो कुली नहीं था वो थोड़ी देर के लिए था। हमको लगता है नहीं ऐसे ही जीवन होना चाहिए। अब उनको देख के तो लगता है कि स्टेशन पे जाएं तो ऐसे ही मेरे ऊपर भी बाज आए, मैं भी लोगों की मदद करूं, ट्रेन के सामने कूद जाऊं। देखो तो आप करके, थोड़ी देर के लिए था वो, असली नहीं था। ये जो 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 हमें दिख रहा है ना, ये हमारे लिए नहीं है, हमारी स्थिति कुछ और है। हमारी स्थिति क्या है? ईश्वर को याद करके कर्म किया जाए। तो कर्म योग और भक्ति योग दो दो नहीं हैं, दोनों कैसे हैं? एक हैं। आप कर्म योग कर रहे हो और ईश्वर की प्रीति बढ़ती जाए, तो समझ लेना क्या बढ़ता गया? भक्ति। इसलिए भगवान एक बात कहते हैं, सतर्क हो जाओ। किस बात से? बहुत ज्यादा सत्कर्म का अनुष्ठान मत करो। देखो जी, दूरेण अवरम कर्म, किससे? बोले कि
कर्म, कर्म मतलब सत्कर्म। बोले किसकी तुलना में, बोलते बुद्धि योगात, बुद्धि योग की तुलना में सत्कर्म अवर है, निम्न है, कनिष्ठ है, छोटा है, लघु है। इसमें वो चीज नहीं है जो उसमें है। अच्छा तो क्या करूं, मुझसे होता नहीं है। बोले बुद्धौ शरणम, देखो जी बुद्धौ शरणम, किसकी शरण में जाओ, बुद्धौ बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धौ शरण मतलब कर्मयोग की शरण में जाओ। देखो जी अच्छा मेरे, मुझे बोले मैं जा नहीं सकता, तो बोले अनविच्छ इच्छा, कम से कम कर नहीं सकते तो इच्छा कर लो। देखो जी ये शब्द छिपा है, ध्यान रखना, इच्छा मिल गया, नहीं कर सकते तो कम से कम इच्छा तो कर सकते हो, वो करो। बहुत बड़ा सूत्र है याद रखना आप, नहीं कर सकते ठीक है, लेकिन मैं इच्छा तो क्या कर सकता हूं, बुद्धौ शरणम अनिच्छ कृपणाः फल हेतवः। बहुत सुंदर है, फल हेतवः, अभी क्या बोला था, फल हेतु, यही बोला है, फल हेतु मत बनो और कृपण मत बनो। देखो जी अब ये सब भगवान कोई शब्द नए नहीं ला रहे हैं, याद रखना सब अर्जुन के बोले गए शब्द हैं, जिसको उसी शब्दों में उत्तर देते हैं। मेरे ख्याल से दूसरा अध्याय है, 11वां या 12वां श्लोक था ना, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, ये शब्द अर्जुन ने यूज किया था, भगवान ने नहीं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वाम प्रपन्नम्। ये अर्जुन का श्लोक था। क्या बोलता है, कार्पण्य दोषो, मेरा जो जो मेरा चित्त है ना वो कार्पण्य हो रहा है। भगवान बोलते हैं असली कृपण कौन है पता है, भगवान ने इसको बोल दिया, बोले तुम जो बात कर रहे हो ना, अब मैं तुम्हें बताता हूं असली कृपण कौन है, जो कर्मयोग का पालन नहीं कर सकता जीवन में, वो व्यक्ति कृपण है। देखो जी भगवान कहां से घुमा के लाए, फल हेतवः, जो फल का हेतु स्वयं बनता है वो कृपण है। मैंने आपको इसके बारे में बोला होगा, कंजूस वो है जिसके पास होने के बाद में भी वो देता नहीं है, एक विकमंगता कंजूस नहीं है, एक दरिद्र नारायण कंजूस नहीं, क्यों वहां है ही नहीं तो देगा क्या, जहां है और न दे, मतलब है और न दे, बोले संसाधन से पुष्ट है, सभी संसाधनों से तृप्त है, सभी उपलब्धियां हैं उसके पास में, बट जब कहा जाता है कि ये दो, तो वो देता नहीं है। ठीक है, मतलब होकर भी ना देना। बोले आध्यात्मिक में क्या है, बोले तुमको ये शरीर मिला, इसके बाद में यदि कर्मयोग का पालन नहीं कर सकते तो तुमसे बड़ा कंजूस कोई नहीं है। किसके पास शरीर नहीं है, इसका मतलब है लेकिन हम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, देखो ये है कंजूसी, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक कंजूसी। सब कुछ है, मन भी है, बुद्धि भी है, शरीर भी है, लेकिन मैं उस परम अक्षर को जानना नहीं चाहता। अभी इस संदर्भ में मैं कर्मयोग का पालन नहीं करना चाहता, भगवान बोलते हैं ऐसा व्यक्ति कृपण है, कृपणाः, एक नहीं कृपणाः, ऐसे व्यक्ति कृपण है। फल हेतवः, देखो क्या कर्म फल हेतु, वही बोला फल हेतवः, ये कर्म के फल के कारण क्या बनते हैं, स्वयं बनते हैं। मैंने बोला स्वयं कारण ना बने, वही कर्म करने की असली पहचान है।
अच्छा जी, बुद्धौ शरणम, नहीं जा पाते इच्छा, थोड़ी इच्छा करो, इच्छा तो कर सकते हो, कृपणाहा फल हेतवः। और ये 50वां श्लोक बहुत अच्छा है, बुद्धि युक्त। तो ध्यान रखना, ये जो सांख्य योग है, जो कर्म योग है, या जिसको आप बुद्धि योग, ये आपको सांख्य योग में पहुंचा देता है। आखिरी बात इसको ध्यान रखना, ये दो मार्ग नहीं है, कर्म योग और सांख्य योग, ये भी ध्यान रखना, ये भी बोल रहा हूं, जरा ध्यान से समझना, ये दो भी नहीं है। बोले फिर इसको गुरुजी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तेजय महन जी ने, एक एक रोड है, वो रोड जाती है तो आप उसको बोलते हैं नेहरू मार्ग, और थोड़ी दूर बाद उसका नाम हो जाता है रविंद्र मार्ग, सुभाष मार्ग। वो रोड कितनी थी पता है? एक थी, लेकिन इधर चली गई तो आपने क्या बोल दिया, मतलब उस सीमा के बाद आई तो रविंद्र बोल दिया, इस सीमा के इधर थी तो आपने क्या बोल दिया, सुभाष। रास्ता एक है। ये जो लोग बोलते हैं ना कई, ये भक्ति मार्ग का रास्ता, रास्ता एक है, वह है प्रभु की प्राप्ति, स्वयं को पहचानना, सेल्फ रियलाइज्ड होना, ये एक ही है। अब आप कहां पे हो इसलिए उसको बांट दिया गया, मार्ग नहीं है अलग अलग, ध्यान रखना, मार्ग एक ही है, उसी मार्ग को ये कह दिया गया और उसी मार्ग को दूसरा नाम दे। मार्ग कैसा है? वो एक है। मुझे एक कहीं किसी मैंने सुना, कहीं सुना मुझे नहीं याद आ रहा है, बोले जीवन एक रिले रेस है, बहुत सुंदर लगा। बोले रिले रेस में होता क्या है, एक लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो एक व्यक्ति दौड़ता है और वो मान लीजिए मशाल लिए हुए है या कुछ चिन्ह लिए, वो अपनी मशाल किसको दे देता है, दूसरे वाले को। अब कौन दौड़ना चालू करता है, दूसरा। बोले ये जो साधना है ये रिले रेस है, ये जब तक एक दूसरे में आपको न पहुंचाए समझ लेना आप सफल नहीं हुए। पहुंचेगा अंत में कौन, एक। दौड़े कितने लोग थे, ये जीवन रिले रेस की तरह है, एक मार्ग दूसरे मार्ग को क्या करता है, दे देता है। तो ये जो भक्ति मार्ग है ना, ये कर्म मार्ग, ये किसको सौंप देता है, सांख्य मार्ग को दे देता है। लो जी इसने पालन किया, अब तुम ले जाओ, अब तुम दौड़ो लेके, तुमको नहीं आना है, वो आ रहा है, तुम चलोगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तुम वहीं रहो, तुम उसका पालन करोगे तो वो तुम्हारे पास आएगा, वो दौड़ के आएगा और तुमको दे देगा, लेकिन तुम वहां पे खड़े हुए मिलो, दूसरा वाला दौड़ कर आए। साधना करते करते आपको दूसरे मार्ग में क्या करती है, पहुंचा देती है, एक एक कहती है अब तुम इसको ले जाओ। तो ये जो कर्मयोग का मार्ग है ना, वो आपको दूसरे को क्या कर देगा, दे देगा, सांख्य योग को। स्टार्ट तो यहीं से है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।